बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस वीडियो का टाइटल पढ़ते ही सबसे पहले ये सवाल आएगा कि भाई तूने लाइफ में ऐसा क्या उखाड़ लिया है जो तू हमें एडवाइस दे रहा है दैट हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। एंड बहुत ही जायज सा सवाल है, क्योंकि मुझे भी अगर कोई लाइफ के बारे में एडवाइस देगा तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि सामने वाले ने खुद लाइफ में क्या किया है। अगर सामने वाला खुद सक्सेसफुल है तभी मैं उसकी बात को सीरियसली सुनूंगा। जितने लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं दे एक्चुअली नो व्हाट आई हैव अचीव्ड, बट जितने लोग मेरी वीडियो पहली या दूसरी बार देख रहे हैं लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई सेल्फ। सो माई नेम इज आकाश यदुवंशी, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर एंड मैंने अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में जो जर्नी शुरू की थी वो 3 साल पहले शुरू की थी। आई स्टार्टेड माई ब्रांड नेम इंडियन स्ट्रेंथ एंड विद इन दीज 3 years उस ब्रांड को मैंने काफी ऊपर तक ग्रो किया है। हजारों लोगों को हमने ट्रांसफॉर्म करने में मदद किया है। जब मैंने शुरू किया था तब मैं अकेला था, बट अभी मेरी टीम में 20 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इन 3 सालों में एज एन इंडिविजुअल मैंने भी और ब्रांड इंडियन स्ट्रेंथ ने भी काफी सारी चीजें अचीव की हैं। तो ये वीडियो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि मैंने खुद कुछ किया नहीं है और मैं आप लोगों को एडवाइस देने चला आया हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। दूसरी चीज ये है कि इस चैनल की ऑडियंस काफी यंग है, 16 से 22 साल की उम्र वाले लोग काफी ज्यादा हैं एंड बड़ा भाई होने के नाते मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस जरूर दे सकता हूं। सो इसी के साथ हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं देन बाकी वीडियोस भी चेकआउट जरूर करना एंड अगर आपको लगे कि इस चैनल की वीडियोस देखने से आपकी लाइफ में कुछ सुधार आ सकता है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। विद ऑल दैट बीइंग सेड लेट्स गेट टू पॉइंट नंबर 5। टिप नंबर 5 है अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। प्लानिंग में खर्च किया हुआ 1 मिनट एग्जीक्यूशन में आपके कई घंटे बचा सकता है। आपको अपने अगले 3 स्टेप्स हमेशा पता होने चाहिए। जब आपके सामने एक रिटर्न प्लान होता है तो चीजें आपको आसान लगने लगती हैं। आपका एंड गोल जो भी है वो शायद आपको अभी इम्पॉसिबल लगता हो, पर जब आप उसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन करके एक पीस ऑफ पेपर पे नोट डाउन करते हैं देन चीजें पॉसिबल लगने लगती हैं, चीजें आसान लगने लगती हैं एंड आपका जो फोकस होता है वो यही होता है कि मुझे अभी इस छोटे गोल को अचीव करना है। और आपको जो गोल इम्पॉसिबल लगता है आप उससे फोकस हटा के अपने छोटे गोल पर फोकस करते हो। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन 1 single step एट अ टाइम। जब MS धोनी से पूछा गया कि आपने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप कैसे जिताया तो उनका कहना था दैट वी टुक 1 game at a time। टूर्नामेंट इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर हम सीधा सारे गेम्स पर एज अ टूर्नामेंट फोकस करते तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर आ जाता। हम लोग सिर्फ अगले गेम पर फोकस करते थे, जो ओपोजिशन अगली आने वाली है उसके ऊपर स्टडी करते थे एंड वी जस्ट टुक 1 single game at a time। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो अगला स्टेप है आपका, जो अगला आपका चैलेंज होने वाला है, आपका फोकस सिर्फ उसी पे होना चाहिए। एंड इफ MS धोनी इज सेइंग दिस देन आई डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स। टिप नंबर 3 इज अपने फेलियर्स की रिस्पांसिबिलिटी लेना सीखो। डू यू नो हाउ लिबरेटिंग इट इज व्हेन यू रियलाइज एवरीथिंग इज योर फॉल्ट? इट गेट्स रियल फकिंग गुड आउट हियर। नेवर प्ले द ब्लेम गेम। अपने फेलियर्स के लिए हमेशा खुद को ब्लेम करो। कभी अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करो, कभी अपनी सोसाइटी को ब्लेम मत करो, कभी अपने दोस्तों को ब्लेम मत करो। इट्स ऑलवेज यू। नाउ अगेन आई एम टेकिंग MS धोनी एग्जाम्पल। ही ऑलवेज टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज टीम्स लॉस। उन्होंने कभी किसी दूसरे प्लेयर को या दूसरी ऑपोजिशन को या प्लेइंग कंडीशंस को ब्लेम नहीं किया। ही ऑलवेज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही चीज सक्सेसफुल लोग बहुत अच्छे से करते हैं। आई नो कुछ MS धोनी के हेटर्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, बट लव और हेट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। उन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है एंड आप सक्सेसफुल लोगों से हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन इज टेम्परेरी एंड डिसिप्लिन इज अ हैबिट। एंड अच्छी आदतें आपको लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती है। अगर आप अपने काम को लेके कमिटेड रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, देन बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो सकती है। चाहे आपको किसी भी फील्ड में करियर बनाना हो, फिटनेस हो, स्पोर्ट्स हो या फिर बिजनेस हो, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि दूसरे लोग उसी की रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं जो डिसिप्लिन होता है, द वन हु एक्चुअली शोज अप। एंड जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो एक्चुअली आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर Today is make your journey fun. End goal को जो अचीव करने की खुशी है ना वो कुछ देर तक रहती है, then it becomes normal. For example, let's say आपका एक गोल है कि मुझे अगले 3 साल के अंदर ये कार परचेस करनी है। आप 3 साल तक लगातार मेहनत करते हो एंड देन यू एंड अप अचीविंग दैट कार। आपने 3 साल के बाद वो कार खरीद ली, तो क्या उस कार को खरीदने की जो खुशी है वो आपको जिंदगी भर रहने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। मे बी 1 महीना, मे बी 2 महीना, एट मैक्स आपको 3-4 महीने तक उसकी खुशी रहेगी, देन इट विल बिकम नॉर्मल। वो कार आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी जैसे बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में पहले थी। ऑलवेज मेक श्योर कि उस कार को अचीव करने के लिए जो 3 साल तक आपने मेहनत की है
है, आप उस मेहनत को भी एंजॉय करो। ऐसा ना हो कि आप उस जर्नी को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जब एंड गोल आएगा तभी मुझे सारी खुशी मिलेगी। अगर ऐसा होगा तो आपके लिए चीजें अचीव करना ज्यादा टफ बन जाएगा, बिकॉज जो हमारा एंड गोल है वो हमेशा चेंज होता रहता है। एक गोल हम अचीव करेंगे, हम दूसरे गोल की तरफ बढ़ने लगेंगे। सो एक्चुअली पूरी जिंदगी हमें एक जर्नी में ही रहना है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी जो जर्नी है वो मजेदार होनी चाहिए। अगर वो मजेदार होने लगी तो एंड गोल की ना तो उतनी ज्यादा रेलिवेंस रहेगी, एंड दूसरी चीज ये है कि जब आपको किसी चीज को करने में मजा आता है, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद डिसिप्लिन्ड हो जाते हो बिकॉज यू एक्चुअली एंजॉय डूइंग दैट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी काम आप कर रहे हो आपको उस काम में मजा आना चाहिए। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आपको लगेगा नहीं कि आप एक्चुअली काम कर रहे हो। सो yeah, always make sure you make the journey fun. So this is it for today's video. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश इस वीडियो को बनाने की यही थी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस दे सकूं अपनी तरफ से पिछले 3-4-5 साल में जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है। तो अगर आपको कोई भी चीज गलत लगी हो या कोई भी सवाल हो आपको इस वीडियो को लेके दिमाग में, आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। सारे के सारे कमेंट्स को मैं रीड करता हूँ, सारे कमेंट्स को मैं रिप्लाई करता हूँ। तो मेक श्योर कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ है, आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हो, आप नीचे कमेंट करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो एंड हम लोग बात कर सकते हैं। दोस्तों जब ये चैनल मैंने क्रिएट किया था इसका नाम मैंने रखा था इंडियन स्ट्रेंथ। पिछली वीडियो में भी किसी ने सवाल पूछा था, तो जिम में जाके जो हम लोग वजन उठाते हैं उसी का मतलब स्ट्रेंथ नहीं होता है। स्ट्रेंथ जो होती है वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई होती है। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग मेंटली, यू हैव टू बी स्ट्रांग फिजिकली, यू हैव टू बी स्ट्रांग स्पिरिचुअली। सो हम लोग हर चीज से रिलेटेड इस चैनल पर बात करेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट अबाउट जिम जिम एंड जिम। सो आप कैसे मेंटली हेल्दी रह सकते हो, कैसे फिजिकली हेल्दी रह सकते हो, कैसे स्पिरिचुअली हेल्दी रह सकते हो, इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट वीडियो दैट आई वांटेड टू पुट आउट। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करना, एंड अगर अभी तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं की है देन डू मेक श्योर कि आप लाइक जरूर करें वीडियो को। आप लोग वीडियो लाइक करते हो तो मुझे भी लगता है कि लोगों को कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, वो चीज मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट करती है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड जय हिंद।